आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हिंदुस्तानी खुद क्या है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, इतनी बड़ी आदिवासी कोटे से लड़ती है, उनके पति मुसलमान है। जिला परिषद की जो अध्यक्षा है उनके पति मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। ये बांग्लादेश ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। अब जो लोकसभा के मेंबर हैं, एमएलए हैं वेस्ट बंगाल के, वो दुहाई दे रहे हैं आके कि भाई जो फीमेल एमएलए मुंतखब होती हैं, जो इलेक्शन जीतती हैं वेस्ट बंगाल से, उनके जो पति होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो बांग्लादेशी होते हैं, वो मुस्लिम होते हैं, वो किस तरह से बांग्लादेशियों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है वेस्ट बंगाल में, बिहार में। और वो कह रहे हैं कि इनको अब रोकना होगा, किसी भी तरीके से साहब रोकिएगा मोदी सरकार, नहीं तो ये जो वेस्ट बंगाल है इसकी जितनी भी रियासतें हैं वो सब के सब जाके मिल जाएंगी बांग्लादेश के साथ, और फिर वो ग्रेटर जो बंगाल का एक ख्वाब था वो पूरा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। देखिए कैसे इनके खुद जो लोकसभा के मेंबर हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से जो इलेक्शन जीती हैं फीमेल महिलाएं, उनके जो पति हैं वो कह रहा मुस्लिम हिंदू को तो छोड़ गया भाई, एक साइड पर रखिएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। ये बहुत बड़ी इनको तकलीफ है, चिंता है, परेशानी है। कि फिर वो कह रहे हैं कि जो टेरिटरी है सेंट्रल वो इधर ही रख दो मोदी जी, यानी इस तरह के ऊट पटांग, इस तरह के बेकार किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं उनको, मोदी सरकार को, इनकी तरफ से। अब ये जो मेरे पास वीडियो है ये देखने वाली है, और मैं कहूँगा आपको कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। कैसे जो इंडियन हैं बड़े परेशान हैं कि जो वेस्ट बंगाल है उनकी जो सीएम ममता बनर्जी हैं वो आए रोज़ बांग्लादेश को फॉलो करती हुई नज़र आती हैं, बांग्लादेश के हक में बात करती हुई नज़र आती हैं, और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो भी बांग्लादेश के साथ मिलने को तरजीह देते हैं, वो भी आए रोज़ कोई ना कोई वहाँ से खबर निकल कर कह रहे हैं, सामने आ जाती है, इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है कि वो लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ इल्हाक करें, बांग्लादेश के साथ हम मिलें। अब भाई इस वीडियो ने तो और ज़्यादा आग लगा दी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। উত্তরবঙ্গকে বাংলায় রেখেই উত্তর পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এ নিয়ে ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এরই মধ্যে পদ্ম শিবিরের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত। তার অভিযোগ ঝাড়খণ্ডে নাকি আদিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, পাশাপাশি বাংলার মালদহ মুর্শিদাবাদ সহ দেশের 5 জেলাকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার দাবি জানিয়েছেন নিশিকান্ত দুবে। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দাবি করেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল না করা হলে হিন্দুরা শেষ হয়ে যাবে, একই সঙ্গে এনআরসি কার্যকর করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। সংসদে নিশিকান্ত বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ এবং বাংলা থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের লোকজন এসে আমাদের এলাকার মানুষকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, এটি একটি খুব গুরুতর বিষয় এবং আমি এটি রেকর্ডে বলছি, আমি যা বলেছি তা ভুল হলে আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। তার আরও অভিযোগ মুর্শিদাবাদ মালদা থেকে লোকজন এসে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ করছে, ঝাড়খণ্ড পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করছে না। নিশিকান্ত এও বলেছেন মুসলিমদের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত। এরপরেই তিনি বলেন মালদা মুর্শিদাবাদ কিষানগঞ্জ আরারিয়া কাটিহার এবং পুরো সাঁওতাল পরগনাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা উচিত, না হলে হিন্দুরা মুছে যাবে, এনআরসি কার্যকর করুন। আরও বলছেন এর আগে যদি কিছু না ঘটে তবে প্রথমে হাউসের একটি কমিটি পাঠান এবং এই কমিটিতে যতটা সম্ভব তৃণমূলের সাংসদদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কি বলছেন নিশিকান্ত দুবে শোনাবো আপনাদের। স্যার সংবিধান খতরে মে খতরে মে হাম ইয়াহা
हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, जब संथालपुरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपुरना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। घुसपैठ जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहां जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है, उनके पति मुसलमान है। जिला परिषद की जो अध्यक्षा है उनके पति मुसलमान है। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान है। ये देखें जी, आपने ये वीडियो देखी, आदिवासी की बात हो रही थी कि उनके जो पति हैं मुसलमान हैं, कोटे की बात हो रही थी, जो खवातीन MLA मुंतखब होती हैं वो कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक जो उनके पति हैं घुस बैठी है जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ उनकी शादी हो रही है, और इसको वो कह रहे हैं कि रोकना होगा। ये किस तरह से हम किस मतलब हमें अब क्या, वो बहुत परेशान है, उसकी परेशानी आपने देखा इस वीडियो में उनके फेस से झलक रही थी। और इस तरह मेरे ख्याल में ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी है ना व्यूवर्स, आपने भी बताना है मेरे साथ आप कितना एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए जो मोदी सरकार है ना, उसने जो उनके हकूक है ना, राइट्स वेस्ट बंगाल के लोगों के, वो कम्प्लीटली उसने सल्ब करके रख लिए, यानी दिए ही नहीं उनको। वो बेचारे मर रहे हैं, वो भूख है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, देखें कि बेरोज़गारी है और इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर उन लोगों को डिग्रेड अलग से कर दिया जाता है कि भाई आप तो फिश खाने वाली कौम, आप बंगाली क्यों बोलते हो, आप ये लुंगी और कुर्ता क्यों पहनते हो, ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर मछली खानी है तो आप बांग्लादेश चले जाओ, अगर बंगाली बोलनी है तो आप बांग्लादेश चले जाओ, ये हिंदुस्तान है आपको हिंदी बोलना, ये इस तरह जब आप उनको बहुत ही ज़्यादा तंग करोगे तो फिर वहाँ यही कुछ होगा। परेशान क्यों हो रहे हो, होने दो, ये होकर रहेगा। जो ग्रेटर बंगाल है कि एक जो मैं कहता हूँ कि लोगों के अंदर ये डर है, खौफ है, अंत भक्तों को, मोदी सरकार के जितने भी चेले हैं उनको, ये एक दिन होकर रहेगा, आप देख लीजिएगा। व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।